के नाम से जाने जाने वाले इंदौर शहर वह स्वच्छता में हैट्रिक लगाने के बाद इंदौर शहर को अपनी रूपरेखा बनाए रखने के प्रयास में इंदौर शहर की रूपरेखा बदल दी जा रही है, जिसके चलते शहर में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं। इंदौर के अधिकतर क्षेत्रों में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कार्य किए गए हैं, जिसके चलते कुछ क्षेत्र ऐसे भी रह गए थे जहां सड़कों के निर्माण का कार्य नहीं हो पाया था। अब उन क्षेत्रों की भी बारी आ चुकी है। स्मार्ट सिटी के चलते सड़कों के नवीनीकरण व चौड़ीकरण को लेकर अब बारी है इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र की, जहां पर सड़क का नवीन निर्माण के साथ चौड़ीकरण का भी निर्माण चल रहा है, जिसको लेकर वहां के रहवासियों से जब बात की गई तो रहवासियों ने बताया कि हम इस तरह की कार्यवाही से खुश हैं। इतने सालों से जो यहां पर सड़क सही तरीके से नहीं बनी थी, अब वह बनेगी। वहीं ट्रैफिक की जो समस्या है वह सड़क के चौड़ीकरण के साथ खत्म हो जाएगी। यही है कि सारे इंदौर के सभी क्षेत्र विकसित हुए, एक जूनी इंदौर ही छूटा हुआ था। तो अब यहाँ का भी नगर निगम वालों ने, मतलब डेढ़ साल पहले तो हुआ था, अभी कार्रवाई रुकी हुई थी और अभी कार्रवाई चालू करी है। तो हम लोग सभी मतलब बहुत ही उत्साहित है, बस ये चाहते हैं कि जैसे कि हमारे व्यास जी ने बोला है कि प्रॉपर ये काम प्रॉपर हो, डिवाइडर बने, फुटपाथ बने, तो वही हम चाह रहे हैं। और हम सब सहयोग है, हमारा सभी रहवासियों का सहयोग है, नगर निगम से और सभी का सपोर्ट है। देखो, हम जूनी इंदौर के वासी है और मेरी उम्र हो गई 70 साल की। मैंने इस 70 साल में कभी यहाँ का विकास नहीं देखा। पहली बार ये रोड बन रही है और ये जूनी इंदौर का विकास हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है। ये इससे हम सब जितने भी निवासी हैं बहुत खुश हैं। इसके लिए बस यही है कि ये रोड सिस्टमेटिक ढंग से और प्रॉपर बने। बस ऐसा नहीं कि कहीं बनी कहीं नहीं बनी, कहीं फुटपाथ नहीं बना, कहीं रोड नहीं बनी, कहीं पानी की लाइन नहीं डली, कहीं ड्रेनेज नहीं डली, ये नहीं होना चाहिए। सहयोग कर रहे हैं सर आप ये नगर निगम? हम लोग पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं, हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं और हमारे से जो जगह मांगी थी हमने सब दे दी उनको। बस ये है कि यहाँ एक विवाद था सेंट्रल लाइन की गड़बड़ी का, लेकिन अब वो भी नहीं है, अब सब ठीक हो गया और सब काम बढ़िया चालू हो।